श्री गणेश जी के प्रिय शमी वृक्ष को तीन आसान मुद्दों द्वारा पहचानने हेतु यह वीडियो अंत तक देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीकांत आप सभी का प्लांट आइडेंटिफिकेशन सीरीज के इस पहले वीडियो में स्वागत करता हूँ। शमी वृक्ष का महत्व तो आप सभी जानते हैं, पर उसकी उचित पहचान न होने के कारण आज किसी और ही वृक्ष को शमी वृक्ष मानकर बेचा जा रहा है। गूगल अनुसार यह वृक्ष शमी वृक्ष है, और ऐसा ही हाल कुछ YouTube का है, जहां सैकड़ों वीडियो में इसी वृक्ष को शमी वृक्ष मानकर उसका महत्व बताया गया है। तो आखिर यह सवाल उठता है कि क्या यही शमी वृक्ष है? तो नहीं, यह आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथ सुश्रुत संहिता में वर्णित वीरतरु वृक्ष है। तो आखिर शमी वृक्ष को पहचानते कैसे हैं? चलिए केवल तीन आसान वैज्ञानिक मुद्दों द्वारा शमी वृक्ष को पहचानते हैं। पत्तों से शुरुआत करते हैं तो शमी के पत्ते अल्टरनेट और बायपिनेटली कंपाउंड होते हैं। वही अगर दूसरे एवं प्रमुख मुद्दे की बात करें तो शमी के हर पत्र के उगम स्थान पर उपपत्र यानी फोलियाशियस स्टिप्यूल्स पाए जाते हैं। अगर आखिरी मुद्दे की बात करें तो उसके कांटे छोटे एवं हमेशा ही दो पत्तों के आधार के बीच में ही पाए जाते हैं, जिसे इंटरनोडल स्पाइक्स कहते हैं। इन्हीं तीन मुद्दों द्वारा आप असली शमी वृक्ष को आसानी से पहचान सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। शमी वृक्ष से संबंधित पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसी तरह आगे आने वाले प्लांट आइडेंटिफिकेशन सीरीज के अन्य वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।